अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ निज़ामी चिकन। इसे हैदराबादी चिकन भी कहते हैं और ग्रीन चिकन भी कहते हैं, ठीक है। ये वैसे शादियों पे बनाया जाता है और इसमें वैसे ग्रीन कलर, फूड ग्रीन कलर ऐड किया जाता है, लेकिन मैं इसे सब्जियों के साथ बना रही हूँ। ये मेरे पास पालक के पत्ते हैं 5-6, ठीक है। मैंने उन्हें काट दिया धो के अच्छे से। और ये मेरे पास हरी धनिया है और पुदीना है, और मेरे पास 6 अदद हरी मिर्ची हैं, और ये मेरे पास 10 बादाम हैं, 10 काजू हैं और 10 पिस्ता है, और ये 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज हैं। मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर जार में डाल के इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये मेरे पास है चिकन। अच्छा, ये चिकन है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। उसमें मैं ये डाल दूँगी चटनी। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूँगी दही, और अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर भर के। अच्छा, इसमें जाएगा आधा नींबू का जूस, 1 टीस्पून जितनी भर के नमक, 1 टीस्पून जितनी भर के काली मिर्च, और इसमें जाएगा धनिया और ज़ीरा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, ये हमारा हरा मसाला और चिकन हो गया अच्छे से मैरिनेशन के लिए। मैं इसको रख दूँगी और इसमें मैं डाल रही हूँ ये छोटी इलायची का पाउडर है बड़ा, ठीक है। ये मैंने 5-6 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, उनका पाउडर बना दिया मैंने, और ये फिर ये भी मैंने डाल के इसको मिक्स करके ना मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो चिकन हो गया हमारा मैरिनेट। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जितना डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये ऑयल हो जाएगा गर्म। मैं इसमें क्या करूँगी, ये मेरे पास दालचीनी के टुकड़ा है और लौंग है 5-4, और ये छोटी इलायची है, ठीक है। इनको मैं कर लूँगी गरम। जैसे हो जाएंगे गरम, मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। जी, ये हो गया गरम। मैंने इसमें अब डाल रही हूँ चिकन। और इसे कर लूँगी मिक्स, ठीक है। और इसमें जो बाउल है मसाले वाले, इसमें 2 घूंट पानी डाल के मैं वो भी डाल देती हूँ इसमें। हाँ जी, ये 2 से 3 घूंट जितना पानी है ये मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसे ऊंची आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ठीक है, 3 से 4 मिनट के लिए। जी, हमने इसे 5 मिनट ऊंची आंच पे भूनने के बाद मसाले का कच्चा बन कर दिया ख़त्म। अब हम इसे हल्की आग पे पकाएंगे, ठीक है। हमने इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, अगर पानी डाला तो चिकन ख़राब हो जाएगी। हाँ, हल्की आग पे पकाएंगे तो चिकन का अपना पानी भी आएगा, ठीक है। अभी हम इसी में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन हो गया हमारा तैयार, उसका ऑयल आना शुरू हो गया बाहर, लेकिन हमने अभी भी इसे पकाना है, इसलिए क्योंकि ये सारा मसाला ताकि चिकन के ऊपर लग जाए, हमने बिल्कुल ड्राई करना है इसे, ठीक है। इसमें इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मक्खन भी डाल दूँगी और इसमें क्रीम भी डाल दूँगी ताकि इसका थोड़ा क्रीमी सा टेस्ट आए। ये चिकन हो गया बिल्कुल तैयार, मैं अभी इसे डिश आउट कर दूँगी। जी, ये हमारी हैदराबादी चिकन हो गई है बिल्कुल तैयार। मैंने इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा दिए हैं, और ये मैं काजू डाल रही हूँ इसके ऊपर, और मैं कुछ बादाम भी डाल दूँगी, और ये बादाम डाल दिए मैंने, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।